जी सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर, मैं कल ही मुंबई के लिए निकलता हूँ और नेक्स्ट वीक से ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सुशांत को फोन करता हूँ। हाँ भाई, कैसा है? अरे एक नंबर भाई, तू बता कैसा है? अरे भाई मैं भी मस्त हूँ। कैसे याद कर लिया आज? अरे यार ऐसे ही। हाँ सुन ना, एक गुड न्यूज़ था। हाँ हाँ। अरे यार मेरी जॉब पक्की हो गई है और मैं कल ही मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। भाई यार क्या खबर है यार। एक काम कर, तू जल्दी से आजा, मिलते हैं अपन। हाँ हाँ ठीक है, मिलते हैं भाई। ओके ठीक है भाई। एक बात करनी है। बोलना। फोन में तो घुसा पड़ा रखेगा तब तो बात करूंगा। हाँ बोल। देख जॉब तो होगी भाई, एक अच्छा सा घर भी मिल जाता है ना तो मजा आता। तू देख लेना प्लीज। जा देख, मेरी 2-3 डीलर से बात चल रही है, तू चिंता मत कर। और मुंबई का पता है क्या है, यहाँ पे काम मिलना आसान है लेकिन घर बहुत मुश्किल है। पर तू चिंता मत कर ठीक है, जब तक तेरे को घर नहीं मिलता तू यहाँ रहेगा मेरे साथ, ठीक है? चिंता नहीं लेना और खाना खा आराम से। हाँ ठीक है बाबा, मैं तेरे साथ ही रहूँगा, बट फिर भी तू कल डीलर से बात कर लेना। ठीक, खाना। कौन है? ये रेंट के लिए। रेंट के लिए कौन रहेगा यहाँ पे? जी सर मैं ही रहने वाला हूँ। अच्छा, और तुम्हारी फैमिली? सर हम बैचलर हैं सर। अरे आपको बताया ना मैंने कि हम सिर्फ फैमिली वालों को देते हैं, बैचलर्स को नहीं देते। आप लोग कहीं और देख लो, यहाँ पे नहीं होगा। आपके सामने फ़ोन पे इनसे बात करी, वो भी मकान देने को मना कर रहे हैं। और सिंगल लोगों के लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल है, मकान नहीं मिल रहा। या तो आप शादी कर लो या फिर अगर शादी हो चुकी है आपकी तो अपनी बीवी बच्चे को यहीं ले आओ, फैमिली को, फिर घर मिलना आसान है आपके लिए। गाँव से कैसे बीवी को ले आए? तो अभी तो फिर पॉसिबल है नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या हो गया, क्यों परेशान है? बीवी के बारे में सोच रहा हूँ। अब कहाँ से लाऊं बीवी यार, और घर लेने के लिए शादी कर। तुझे तो पता है ना कि मैं ये शादी वादी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ने वाला और ना चाहता हूँ मैं। ये लड़कियाँ जो है ना, ये तो खुद ही लाइफ में ना कुछ करती है और ना ही कुछ करने देती हैं दूसरों को। नहीं यार, सारी लड़कियाँ ना एक जैसी नहीं होती। मेरे सामने ना लड़कियों की ज़्यादा तारीफ मत किया कर और कुछ आइडिया निकाल, जुगाड़ निकाल कोई घर ढूंढने का, समझा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। मिल गया क्या? अरे तेरा सॉल्यूशन मिल गया। देख ये एक रोबोट कंपनी है ठीक है, ये रोबोट्स प्रोवाइड कराती है उनको जिनके पास सर्वेंट्स नहीं होते ना। तो ओ भाई मुझे रोबोट नहीं चाहिए, घर चाहिए, समझा? अरे वही कर रहा हूँ यार, तेरे को घर भी मिल जाएगा और बीवी भी मिल जाएगी। रुक जा, मेरे को कॉल मिलाने दे। हेलो। हाँ हेलो सर, सर रोबोट कंपनी से बात कर रहे हैं? जी जी बताइए। सर मुझे ये पता करना था कि आपके पास मेल रोबोट है या फीमेल? जी ये तो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है सर, क्लाइंट को मेल चाहिए या फीमेल रोबोट चाहिए ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके सर, तो एक बार हम देख सकते हैं? एक्चुअली मुझे फीमेल रोबोट चाहिए। जी ज़रूर ज़रूर, आप आ जाइए, कल आ जाइए। दोपहर को 12 बजे कैसे रहेगा? ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। भाई हो गया काम, कल बुलाया, कल चलते हैं, ठीक है? चल देख लेता हूँ तेरा रोबोट्स। क्या कर रहा भाई, बैठ जाना। ये रोबोट है? जी सर ये रोबोट है और इसका नाम भी है अनामिका। अनामिका? पर ये तो इंसान जैसी दिखती है। सर इन्हें इसी तरह बनाया गया है। मतलब ये घर के सारे काम करेगी? जी सर, आप बोल के तो देखिए। मतलब जो भी मैं बोलूंगा मेरी बात समझेगी? जी जरूर। हेलो। हेलो भाई, बोलती है तो। सर हमें ये चाहिए, आज ही चाहिए, ठीक है सर? जरूर, आप बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। हाँ। और आप इन्हें लेके जा सकते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ सर ठीक है सर, डील पक्की है बिल्कुल। रुक रुक रुक, पहले डीलर को कॉल कर लेता हूँ। भाई घर चल के फ़ोन कर देना आराम से। कहाँ ना कर लेता हूँ, अब तो उसका बाप भी देगा मैं मकान, पहले कह रहा हूँ। तेरी मर्जी प्रभु, कर ले। हाँ भाई, अरे वो मकान देखा था ना, हाँ वो हमें चाहिए और इसकी बीवी आ गई है। ठीक है हम कल आते हैं। ये मकान देखिए, आपको देखते ही पसंद आ जाएगा और लैंडलॉर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए। एक ये बेडरूम है, एक ये है और इधर किचन, बाकी ये हॉल। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसा लगा आपको घर? घर अच्छा है, अच्छा 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 है। आपको घर पसंद आ गया है तो ठीक है, कल एग्रीमेंट बना लेते हैं और चाबी आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है नमस्ते। मजे हैं तेरे, अब तो भाभी के साथ रहेगा तू। थैंक यू भाई, ये तेरी वजह से आज हुआ है। ये आपकी चाय। अनामिका, मैं ये कुछ साड़ियाँ लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। साड़ी? लेकिन रोबोट अनामिका में साड़ी पहनने के फीचर्स नहीं है। डोंट वरी, मैं हूँ ना, सिखा दूँगा। ओके। अनामिका, अनामिका उठो, अनामिका। हेलो भाई, देखने से क्या हो गया भाई? तू चिंता मत कर। देखने से क्या हो गया भाई? भाई तू चिंता मत कर, इस बात हो गया पानी की वजह से। इसको लेके चलते हैं लोग। अच्छा तू उठ, उसको लेके चलते हैं जहाँ से लेके आया था इसको लेके चलते हैं। रुक जा। सॉरी सर, पानी में भीगने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लगेगा? पता नहीं सर, 6 महीने, 1 साल या फिर शायद कभी नहीं। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक नया रोबोट लाकर देता हूँ। मुझे नया रोबोट नहीं, अनामिका ही चाहिए। ओके सर, आई ट्राई। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। अरे क्यों परेशान हो रहा है, दूसरी रोबोट ले आएंगे।